हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एकदम इंस्टेंट टेस्टी आइसक्रीम कैंडी, जिसे हम बनाने वाले हैं ऑरेंज स्ट्रीट बिस्किट से। और ये जो पॉप्सिकल है ये बच्चे बहुत पसंद करेंगे और गर्मियों के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज क्रीम बिस्किट लिए हैं, तो ये 10 रुपये वाला पैक लिया है मैंने। तो सबसे पहले तो हम पैकेट्स को ऊपर से कट कर लेंगे और बिस्किट्स को अलग कर लेंगे। तो ये जो खाली रैपर्स हैं ये हमारे मोल्ड हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें बिस्किट्स को ग्राइंड करना है। इसे ट्रांसफर कर लेते हैं ग्राइंडिंग जार में और एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी बिस्किट साबुत दिख रहे हैं, तो हम इसे दोबारा से चर्न करने वाले हैं। अब इसमें मिला लेंगे मिल्क। तो मैं यहाँ पर बॉइल्ड मिल्क ले रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे किया हुआ, और मैं इसे मलाई सहित ले रही हूँ। साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस डाल रही हूँ, इससे खुशबू बहुत बढ़िया आएगी। तो बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चेक कर लेते हैं, मिक्सचर अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो 2-3 चम्मच दूध डालकर एक बार फिर से फेंट लेते हैं। और अब ये जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है, और ऊपर में जो आप ये बबल्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आना जरूरी है, तभी हमारी जो आइसक्रीम है वो सॉफ्ट बनेगी। तो दोस्तों, आपको 3-4 बार इसे चर्न करना है। अभी जो मिक्स है इसे जमाने के लिए हम ये जो रैपर थे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ग्लास में रख लेते हैं रैपर को और इसे हम इस मिक्स से भर लेंगे। अब इसमें लगा लीजिए आइसक्रीम स्टिक और इसे हम फ्रीजर में रख देंगे 7-8 घंटे के लिए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट डे हमारी कुल्फी जम चुकी है, लेकिन इसे डीमोल्ड करने से पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो इसके ऊपर मैं व्हाइट मिल्क चॉकलेट की कोटिंग देने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट कोटिंग भी दे सकते हैं। और मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। तो चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और 40 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। ये हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है, अच्छे से फेंट लेते हैं इसे। ये देखिए एकदम स्मूथ होना चाहिए। और अब इसमें थोड़ा सा और क्रंची फ्लेवर लाने के लिए मैं थोड़े से काजू काट के डाल रही हूँ। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा चॉकलेट का डिप रेडी है। अब कुल्फी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया जम चुकी है, रैपर को अलग कर लेते हैं। और इसे अब हम ये व्हाइट चॉकलेट में डिप करेंगे। तो अच्छे से ऊपर से कोटिंग कर लीजिए चॉकलेट की। और ये रेडी है हमारी इंस्टेंट कैंडीड आइसक्रीम, जिसे बच्चे बहुत पसंद करेंगे। चॉकलेट से कोट करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में रख दीजिए और हमारी आइसक्रीम सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक कुल्फी पर चॉकलेट की कोटिंग की है और दूसरी वाली मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तो ये हो गए हमारे 2 तरीके के फ्लेवर्स। एक पर आप चॉकलेट की कोटिंग दे सकते हैं या फिर इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, रैपर की जगह आप इसे छोटे ग्लास में भी जमा सकते हैं। तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए इंस्टेंट टेस्टी कुल्फी। उम्मीद करती हूँ कि घर में बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।